हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। आज हम लाप्लास इक्वेशन का जो EMT में है उसका पार्ट टू लेके आए हैं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जो पिछला क्वेश्चन था उसमें एक टॉपिक रह गया था उसको कंप्लीट करते हैं। तो क्या रहा था वो मैं लिख देता हूँ एक बार। ये आपके पास कंडक्टर था, सबसे पहले ए नंबर कंडक्टर था और ये आपके पास बी नंबर कंडक्टर था, ठीक है, ओके। और पहला कंडक्टर आपके पास क्या था, ग्राउंडेड था। पहला नंबर कंडक्टर क्या था, ग्राउंडेड था। और दूसरे कंडक्टर पे पोटेंशियल कितना था, वी नोट, ठीक है। इसकी रेडियस पहले वाले कंडक्टर की आर ए थी और दूसरे वाले कंडक्टर की रेडियस आर बी थी, ठीक है। तो जो बाउंड्री कंडीशन दे रखी थी मैं लिख देता हूँ, बाउंड्री कंडीशन जो गिवन थी वो मैं लिख देता हूँ। तो v बराबर 0 एट r बराबर आर ए, v बराबर v नोट एट r बराबर आर बी, ठीक है। ये आपके पास दो बाउंड्री कंडीशन गिवन थी और ये दो कंडक्टर गिवन थे, ठीक है। तो हमें निकालना क्या था, पहले वाले कंडक्टर पर चार्ज निकालना था, दूसरे वाले कंडक्टर पर चार्ज निकालना था, ठीक है। इन पे कंडक्टर पे चार्ज निकालना था, तो कैसे निकालेंगे चार्ज वो देखोगे। तो क्या होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से, फ्रॉम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में लगाऊं तो क्या होगा, क्यू ए बराबर सिग्मा ए डी ए, क्योंकि ये सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि ये एक स्फेरिकल सेल है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी अपन को गिवन होगी। तो उसके अलोंग हम निकालेंगे सिग्मा ए डी ए, जो आपके पास चार्ज ए निकल जाएगा। बी चार्ज कैसे निकालेंगे, सिग्मा बी डी ए, इस तरीके से बी जो कंडक्टर है उस पर चार्ज निकालेंगे। तो सिग्मा ए सिग्मा बी क्या थे पहले वाले क्वेश्चन में, तो मैं लिख देता हूँ एक बार क्या थे। तो आपके पास थे माइनस वी नोट आर बी अप्सिलॉन नोट अपॉन आर ए आर बी माइनस आर ए, ठीक है, ये था, ठीक है, ये था आपके पास। और सिग्मा बी क्या था आपके पास, वी नोट आर ए अप्सिलॉन नोट अपॉन आर बी माइनस आर ए, ठीक है। ये आपके पास दो सिग्मा ए थे सिग्मा बी थे, ठीक है, दोनों पे ये आपके पास थे, ठीक है, तो पहले वाले क्वेश्चन में थे। अब इसको यहाँ पर पुट अप कर दीजिए और अपन निकाल देते हैं। स्फेरिकल सेल दे रखा है, उसके लिए चार्ज क्यू ए निकाल देते हैं पहली कंडक्टर के लिए, दूसरे कंडक्टर के लिए क्यू बी निकाल देते हैं, ठीक है। तो निकालते हैं, चलो, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन था, अपन पिछले में छोड़ चुके थे तो अब कर देते हैं, ठीक है। तो देखोगे कैसे करेंगे इसको, क्यू ए आपके पास क्या है, सिग्मा ए की वैल्यू लिख दीजिए, माइनस वी नोट अपॉन वी नोट आर बी अप्सिलॉन नोट आर ए आर बी माइनस आर ए, ठीक है। और डी ए, डी ए को क्या लिखोगे, अगर आपके पास कंडक्टर है, ये आपके पास कंडक्टर है तो ये रेडियस के अलोंग होगा, इसका जो यूनिट वेक्टर होगा रेडियस के अलोंग होगा, ये रेडियस है तो जो इसका यूनिट वेक्टर होगा आर कैप के अलोंग होगा, आर कैप के अलोंग होगा। तो आर कैप के अलोंग जो प्लेन आपके पास बनेगा, जो आर कैप के अलोंग प्लेन बनेगा, स्पेरिकल सिमेट्री है तो आर फाई थीटा, ये तीन होते हैं आपके पास स्पेरिकल सिमेट्री में, तो इसके अलोंग तो आपके पास प्लेन है, क्योंकि इसके अलोंग आपके पास यूनिट वेक्टर है तो प्लेन फाई और थीटा के रिस्पेक्ट में प्लेन बनेगा। तो जो कोऑर्डिनेट लेंगे डी ए के वो फाई और थीटा के रिस्पेक्ट में लेंगे, तो क्या लेंगे, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई, ओके, ये आपके पास हम लेंगे। तो देखोगे कैसे लेते हैं इनको, क्यू ए को कैसे लेते हैं, तो इसको देखोगे क्यू ए इक्वल टू जीरो से टू पाई और पाई से जीरो, ये लिमिट लगा देंगे, वी नोट आर बी अप्सिलॉन नोट आर ए आर बी माइनस आर ए आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई,
ये लिमिट लगा देंगे, ठीक है। आर सरफेस ए पे निकाल रहे हैं तो आर आर इसकी जगह क्या लिख देंगे, आर आर बराबर आर ए लिख देंगे, ठीक है। सबसे पहले इसकी जगह क्या पुटअप करते हैं, आर बराबर आर ए, तो पुटअप कर दीजिए क्यू ए बराबर 0 से 2 पाई पाई, ठीक है। वी नोट आर बी अपसाला नोट अपॉन आर ए आर बी माइनस आर ए, इसकी जगह पुटअप कर दीजिए आर ए का स्क्वायर, ठीक है। इसकी जगह पुटअप कर दिया तो साइन थीटा डी थीटा और डी फाई, ठीक है। तो आर ए से एक आर ए कट गया तो आपके पास क्यू ए कितना आ गया, 0 से 2 पाई 0 से पाई V नोट आर बी अपसाला नोट आर ए अपॉन आर बी माइनस आर ए साइन थीटा डी थीटा डी फाई, ठीक है। अब साइन थीटा डी फाई को कैसे निकालेंगे, क्यू ए तो ए छोटा वाला लिख दोगे तो आपके पास कैसे निकालोगे, V नोट आर ए आर बी अपसाला नोट, ये तो कॉन्स्टेंट है, आर बी माइनस आर ए, ठीक है। तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी साइन थीटा की डी थीटा 0 से पाई 0 से 2 पाई डी फाई, ये आपके पास हम लिमिट लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो इसको सॉल्यूशन में लाएं, तो कैसे सॉल्यूशन में लाओगे देखोगे, तो आपके पास क्यू ए का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो इसका सॉल्यूशन करोगे तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 2 पाई आ जाएगी, तो ऑलमोस्ट 4 पाई इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का चिन्ह सब में लग ही रहा है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट क्यू ए कितना आ जाएगा, 4 पाई अपसाला नोट 4 पाई अपसाला नोट वी नोट आर ए आर बी अपॉन आर बी माइनस आर ए माइनस 4 पाई वी नोट अपसाला नोट आर ए आर बी माइनस आर ए, ये आपके पास क्यू ए आ जाएगा, ठीक है। क्यू बी निकालते हैं, कैसे निकालोगे क्यू बी, तो क्यू बी डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, यहाँ केवल प्लस का चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। तो करके देखोगे तो करके भी देख लीजिए, करके भी बता देंगे, तो इतना आप नोट कीजिएगा, एक बार नोट कर लिया तो अब आगे बढ़ें, तो ठीक है। अब क्यू बी निकालते हैं, तो क्यू बी कैसे निकालोगे, जैसे क्यू ए निकाला है वैसे ही आप क्यू बी निकाल लोगे, तो क्यू बी कैसे निकालोगे, तो मैं बता देता हूँ क्यू बी कैसे निकालोगे, क्यू बी इक्वल टू सिग्मा बी डी ए, ठीक है। सिग्मा बी की सारी वैल्यू रख दीजिए, ये रही आपके पास सिग्मा बी की वैल्यू, तो आप सिग्मा बी की वैल्यू रख दोगे तो वी नोट आर ए अपसाला नोट अपॉन आर बी आर बी माइनस आर ए, ये अपन ने सिग्मा ए की वैल्यू रख दी, डी ए की वही रखोगे वापस 0 से 2 पाई 0 से पाई, ठीक है। 0 से 2 पाई और 0 से पाई साइन थीटा डी फाई, ये आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, जो आप कंडक्टर कौन सा है आपके पास बी नंबर कंडक्टर है, तो बी नंबर कंडक्टर के लिए क्या लिखोगे, आर बराबर आर बी पुटअप करोगे, तो पुटअप कर दीजिए 0 से 2 पाई 0 से पाई वी नोट आर ए अपसाला नोट अपॉन आर बी माइनस आर ए आर बी माइनस आर ए आर बी का स्क्वायर साइन थीटा डी फाई, ठीक है। अभी आपने पुटअप कर दिया आर बराबर आर ए, तो ये आपने पुटअप कर दिया तो आर बी से एक आर बी कैंसिल हो जाएगा आपके पास, तो 0 से 2 पाई 0 से पाई वी नोट आर ए आर बी ऊपर बच जाएगा अपसाला नोट अपॉन आर बी माइनस आर ए, ठीक है। अब वही साइन थीटा डी थीटा डी फाई, ये आपके पास बच जाएगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुटअप करोगे तो इंट्रीगल को अंदर की तरफ ले आओगे, तो इंट्रीगल को अंदर की तरफ मैं ला रहा हूँ, तो अब हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है इस पोर्शन की, तो मैं इसको मिटो रहा हूँ, ठीक है। तो देखिएगा इस पोर्शन की अपने को जरूरत नहीं है, तो इसको मिटो देता हूं। अब ये वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, इस इंट्रीगल को अंदर ले आइए तो 0 से 2 पाई, ये सब कांस्टेंट आपके पास, ये क्या है
कॉन्स्टेंट टर्म है, कॉन्स्टेंट टर्म है, तो इसको बाहर ले जाइए इंटीग्रल के, तो वी नोट आर ए आर बी अप्साइला नोट अपॉन आर बी माइनस आर ए, ठीक है। अब इंटीग्रल को अंदर ले आइए, तो जीरो से पाई साइन थीटा डी थीटा, जीरो से टू पाई डी फाई, ठीक है। तो ये आपके पास कॉन्स्टेंट टर्म है, तो इसका जो इंटीग्रल होगा पहले भी निकाल चुके हैं, दो होगा, और इसका इंटीग्रल कितना होगा, फोर पाई होगा, ठीक है, फोर पाई नहीं टू पाई, जो आपके पास लिमिट लगेगी जीरो से टू पाई, तो इसका इंटीग्रल टू पाई होगा, साइन थीटा डी थीटा का जो इंटीग्रल होगा टू होगा, तो दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएंगे, फोर पाई आ जाएंगे। तो आपके पास क्यू बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फोर पाई अप्सिलॉन नॉट वी नॉट, वी नॉट आर ए आर बी अपॉन आर बी माइनस आर ए का स्क्वायर, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ओके, इतना आप नोट करोगे। नेक्स्ट सवाल में चलते हैं, बस उसमें क्यू ए में थे, क्यू ए कंडक्टर में जो चार्ज था उसमें केवल माइनस का चिन्ह था, इसमें केवल माइनस का चिन्ह नहीं होगा, ठीक है। तो ये रेडियस है आर ए जो कंडक्टर फर्स्ट की रेडियस है, आर बी जो कंडक्टर सेकंड की रेडियस है, वी नोट जो कंडक्टर सेकंड का आपके पास पोटेंशियल है, ठीक है, तो आप इसको नोट करोगे। नेक्स्ट चलते हैं अपन, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मैं नेक्स्ट सवाल लिख रहा हूँ, आप नोट कीजिएगा नेक्स्ट सवाल को। जो अपने पास नेक्स्ट सवाल है वो ये है, अपने पास जो नेक्स्ट सवाल दे रखा है वो ये आपके पास सिलेंडर का दे रखा है, तो ये आपके पास सिलेंडर फर्स्ट है, ठीक है, सिलेंडर सेकंड मैं बता रहा हूँ कौन सा है, ये आपके पास सिलेंडर सेकंड है, ठीक है, ये आपके पास सिलेंडर सेकंड है। तो फर्स्ट सिलेंडर में जो बाउंड्री कंडीशन आपको गिवन है, बाउंड्री कंडीशन मैं बोल रहा हूँ, वी बराबर वी नोट एट आर बराबर आर ए, वी बराबर वी नोट एट आर बराबर आर बी, ये आपके बाउंड्री कंडीशन गिवन है। और कुछ दे रखा है इसमें, कोएक्सियल सिलेंडर ऑफ रेडियस रेडियस आर ए एंड आर बी, ये गिवन है आपको, ठीक है, एक ग्राउंडेड है और एक पे वी नोट है, और चार्ज डेंसिटी जीरो है, हैविंग चार्ज डेंसिटी, हैविंग चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी जीरो, ठीक है, चार्ज डेंसिटी आपको जीरो दे रखी है। तो स्पेरिकल सिमेट्री आप इसमें जो सिलेंड्रिकल सिमेट्री लगाओगे, स्पेरिकल सिमेट्री नहीं लगाओगे, तो करो इसको, वही चीज़ें अपन को निकालनी है, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, वही चार पांच चीज़ें हैं वही निकालनी है अपन को, ठीक है, यही आपको चार पांच चीज़ें हैं वही निकालनी है। तो आप लगाओगे तो मैं कर देता हूँ। तो सबसे पहले अपन ने देखा जो आपके पास जो सिलेंडर गिवन है वो एक बार मैं फिर से बना देता हूँ, ये बनानी है ढंग से, ये जो आपका सिलेंडर है अब सबसे पहले जो सिलेंडर है उसके कोऑर्डिनेट होते हैं वो लिखोगे, जो सिलेंडर होते हैं आपके पास, सिलेंडर होते हैं उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एस फाई जेड क्यों होते हैं, इस पे चर्चा करते हैं अपन, तो ठीक है, तो इस पे चर्चा करते हैं। तो सिलेंडर के जो कोऑर्डिनेट होते हैं एस फाई जेड क्यों होते हैं उस पे चर्चा करते हैं। आप एक सिलेंडर ले लीजिए, इसको मान लीजिए आपको रेडी करना है, इसको मान लीजिए आपको रेडी करना है, तो सबसे पहले मैं कुछ डिस्टेंस इस कर्व को रेडी करना है, तो कुछ डिस्टेंस एस जो रेडियस में चलूंगा, ठीक है, फिर पूरा एंगल घूमूंगा, पूरा आपके पास एंगल घूमूंगा, ठीक है,
एंगल घूमने के बाद फिर मैं एच हाइट चलूँगा नीचे, नीचे एच हाइट चलूँगा, ठीक है। फिर वही एस रेडियस चलूँगा और पूरा एंगल फाई चलूँगा। तो ये तो आपके पास जड हो गया और ये पूरा एंगल आपके पास क्या हो गया, जो ये आपके पास जो पूरा एंगल, ये फाई पूरा एंगल हो गया, ये आर हो गया, ये पूरा एंगल फाई हो गया, ये पूरा जड हो गया। तो आपके पास जो एस फाई जड तीनों आपके पास आ चुके हैं। तो एक सिलेंडर है जो इसको इस तरीके से हम बदल सकते हैं, ठीक ठीक है। तो अब ये बाउंड्री कंडीशन लगा के वही अपन पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, ठीक है, जिसकी हैविंग चार्ज डेंसिटी जीरो है। तो लगाते हैं हम, तो उसकी चार्ज डेंसिटी आपके पास क्या है, जीरो। तो देखिएगा कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हेयर सिलेंड्रिकल सिमेट्री, हेयर सिलेंड्रिकल सिमेट्री। सबसे पहले लिखोगे यहां पर क्या है, सिलेंड्रिकल सिमेट्री है, पूरा सिलेंडर दिख रहा है तो सिलेंड्रिकल सिमेट्री है। केवल इसमें रेडियस आर का काम होगा, ठीक है। तो इसमें जो सिलेंड्रिकल सिमेट्री है, केवल आपको रेडियस आर ए और आर बी दे रखी है। तो इसकी आर ए और आर बी दे रखी है, सिलेंडर देकर इसकी रेडियस आर ए आर बी दे रखी है। तो स्पेरिकल जो आपके पास सिलेंड्रिकल सिमेट्री है, उसके साथ में जो आपको कोऑर्डिनेट कौन सा काम में लेना है, केवल एस काम में लेना है। तो इस जो आपके पास ग्रेडियंट जो आपके पास होगा, डेल्टा स्क्वायर वी जो आपके पास होगा, वो केवल एस के फॉर्मेट में होगा। किसके फॉर्मेट में होगा, केवल एस के फॉर्मेट में होगा। तो कैसे होगा वो देखोगे, डी ओवर डी एस, एस डी वी अपॉन डी एस इक्वल टू जीरो। ये आपके पास जो ग्रेट होगा, ग्रेड स्क्वायर वी इक्वल टू किसके फॉर्मेट में होगा, केवल एस के फॉर्मेट में होगा, क्योंकि आपको जो बाउंड्री कंडीशन दे रखी है वो रेडियस के फॉर्मेट में दे रखी है। और अपन को जो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि लाप्लास इक्वेशन के काम में लेने के लिए, लाप्लास इक्वेशन को काम में लेने के लिए दो चीज़ की जरूरत होती है, बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन, और दूसरी बाउंड्री कंडीशन और दूसरी कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इन पर ही लाप्लास इक्वेशन डिपेंड करती है, कोऑर्डिनेट सिस्टम इन पे ही क्या करती है, लाप्लास इक्वेशन डिपेंड करती है दोनों चीज़ों पर। तो दोनों चीज़ों पर जब लाप्लास इक्वेशन डिपेंड करेगी, तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो कोऑर्डिनेट एस है, तो केवल एस पे डिपेंड करेगी। तो बाउंड्री कंडीशन किस पे लगेगी, बाउंड्री कंडीशन में जो अपन को गिवन है एस है, मतलब जो रेडियस का फंक्शन है वही गिवन है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम भी रेडियस का ही अपन अप्लाई करेंगे। तो इसमें जो एस अपन अपने पास जो सिलेंडर की रेडियस है उसको ही हम यहाँ पर काम में लेंगे, ठीक है। आर भी रेडियस मान सकते हैं, कुछ भी अपन लोग रेडियंस रेडियस मान सकते हैं, परंतु यहाँ पर जो एस है उसी को ही हम रेडियस मानते हुए काम लेंगे। तो ठीक है, तो इसको जीरो में भेज दीजिए। तो अपन पहले भी निकाल चुके हैं इसको, इस फॉर्मेट को पहले भी निकाल चुके हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए, एस डी वी अपॉन डी एस इक्वल टू जीरो, ठीक है। इंट्रीग्रेट कर दीजिए दोनों तरफ, इंट्रीगल बोथ साइड, इंटीग्रल बोथ साइड कर दीजिए। तो आपके पास क्या आएगी चीज, देखोगे एस डी वी अपॉन डी एस ए, ठीक है। आपके पास दोबारा इंटीग्रल करोगे तो डेल वी अपॉन डेल एस ए, पहले सेपरेशन कर दीजिए दोनों तरफ, ए अपॉन एस, दोबारा इंटीग्रल करोगे ए अपॉन एस डी एस अपॉन बी, बी इक्वल टू ए एल एन एस बी। ये आपके पास पोटेंशियल का जनरल फॉर्मेट आ जाएगा जब आपको रेडियस दे रखी हो और सिलेंड्रिकल सिमेट्री दे रखी हो, ठीक है। इसमें अब ये बाउंड्री कंडीशन जो गिवन है आपको वो अप्लाई करोगे। तो आप पहले सोचोगे कि लाप्लास इक्वेशन मैं बिना बाउंड्री कंडीशन के लगा दूं, बिल्कुल भी संभव नहीं है। अगर बिना बाउंड्री कंडीशन के लाप्लास इक्वेशन लगाने का प्रयास करोगे तो ए बी की वैल्यू कहाँ से लाओगे, ए बी की वैल्यू लाने के लिए ही तो हम बाउंड्री कंडीशन का यूज लेंगे, ठीक है। तो इसमें लगा दीजिए आप, सबसे पहले v बराबर जीरो है तो जीरो लगा दीजिए, एक नंबर इक्वेशन, और v बराबर जीरो है और a और रेडियस की वैल्यू r a
अपॉन बी, तो बी की वैल्यू क्या जाएगी माइनस ए एल एन आर ए, ठीक है। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो बी की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब हम दूसरी बाउंड्री कंडीशन वी बराबर वी नॉट एट आर बराबर आर बी, ये लगाने का हम प्रयास करते हैं, ठीक है। तो कैसे लगाते हैं वो देखोगे, तो लगाते हैं जो आपके पास बाउंड्री कंडीशन है v बराबर v नॉट एट r बराबर आर बी, ये हम बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं। तो सबसे पहले इस बाउंड्री कंडीशन को लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें लगाएंगे बाउंड्री कंडीशन यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको हम काम में लेंगे। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लगा दीजिए v बराबर v नॉट इक्वल टू ए ए एल एन आर बी बराबर बी, ठीक है। ये इक्वेशन आ चुकी है, परंतु बी की वैल्यू अपने पास ये है, तो अब इसमें यूज ले देंगे। ये आपके पास इक्वेशन नंबर थ्री, तो यूजिंग इक्वेशन नंबर थ्री, इक्वेशन नंबर थ्री करेंगे अब यूजिंग इक्वेशन नंबर थ्री, तो क्या लगाते हैं, लगा दीजिए इसमें इक्वेशन नंबर थ्री। तो लगाते हैं v बराबर इक्वेशन नंबर थ्री नहीं, कौन सी है ये टू, इक्वेशन नंबर टू, ठीक है। तो सब कुछ लगा देते हैं हम इसमें, लगा दीजिए फटाफट। तो a एल एन आर बी माइनस, सब कुछ सीख जाओगे, सब कुछ सीख जाओगे, इक्वेशन लगा दीजिए, सब कुछ सीख जाओगे, बाउंड्री कंडीशन सीख लीजिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम सीख लीजिए, लाप्लास इक्वेशन आराम से सीख जाओगे, ठीक है। बी आप लगा दीजिए, बी की वैल्यू ये आपके पास ही है ए एल एन आर ए, तो ए कॉमन ले लीजिए इसमें, ए एल एन एल एन आर बी माइनस एल एन आर ए, और ए की वैल्यू क्या आ गई वी नॉट अपॉन एल एन आर बी माइनस एल एन आर ए, ये आपके पास की कौन सी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर चार, इक्वेशन नंबर चार आ गई, ठीक है। अगर आप एल एन की प्रॉपर्टी का यूज करना चाह रहे हो तो यहाँ पर एल एन की प्रॉपर्टी का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हम एल एन की कुछ प्रॉपर्टी है उसका यूज करेंगे, देखोगे कैसे करते हैं, देखोगे कैसे करते हैं, ये आपके पास जो एल एन की प्रॉपर्टी है उसका यूज करते हैं, तो देखोगे कैसे करते हैं। ए की वैल्यू हो गई आपके पास, तो बी की वैल्यू निकालते हैं, तो बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो पहली प्रॉपर्टी अपन ने लगाई थी जीरो, जीरो पोटेंशियल की वैल्यू ए एल एन आर ए प्लस बी, तो बी की वैल्यू आपके पास आई थी ए एल एन आर ए माइनस का, ये प्रॉपर्टी आपके पास ये आई थी इक्वेशन नंबर फाइव, ठीक है। इसको दोबारा लिख दीजिए, तो बी की वैल्यू लगाने के लिए बी की वैल्यू ये है, सारी लिख दीजिए वी नोट यूजिंग इक्वेशन फोर, ठीक है, फोर नंबर यूज कर लीजिए, वी वी नोट बराबर एल एन आर बी माइनस माइनस एल एन आर ए आर ए, ठीक है, मल्टीप्लाई में एल एन आर ए, ठीक है। ये माइनस का चिन्ह है, बी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई, जो आपके पास बी और ए की दोनों की वैल्यू आ गई, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिख दीजिए, पोटेंशियल आपके पास आ जाएगा। अगर बी की वैल्यू में या ए की वैल्यू में कुछ चेंज करना चाहो तो एल एन की प्रॉपर्टी लगाना चाहो, एल एन ए एल एन आर ए, क्या प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टी क्या होगी, प्रॉपर्टी क्या होगी, तो आपके पास एल एन आर बी माइनस आर ए, ये प्रॉपर्टी होगी। तो दोनों में लगाना चाहो तो दोनों में आप लगा सकते हो। तो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ए, ए की वैल्यू ये रही आपके पास वी नॉट एल एन, यहाँ लगा दीजिए स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी आर बी माइनस आर ए माइनस, फिर एल एन एस ऊपर है, फिर माइनस का चिन्ह वी नॉट एल एन एल एन आर ए अपॉन एल एन आर बी माइनस आर ए,
ये आपके पास स्टैंडर्ड पोटेंशियल आ चुका है, ठीक है। इतना नोट कीजिएगा, ये अपन ने प्रॉपर्टी जो एलएन की प्रॉपर्टी है उसका हम यूटिलाइज ले लिया है, जो एलएन की प्रॉपर्टी है अपने पास उसका हमने यूटिलाइज ले लिया है, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट चलते हैं अपन, ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, पोटेंशियल की वैल्यू आ गई, इसको आप नोट कीजिएगा, ठीक है, इसको आप नोट कीजिएगा, पोटेंशियल की वैल्यू को नोट कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं, नोट कर लिया हो तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है मैं डायरेक्ट बता देता हूँ कैसे निकालोगे। जो पोटेंशियल आया है आपका, जो पोटेंशियल आया है उसमें जो पोटेंशियल आपका आया है V बराबर, तो पोटेंशियल मैं लिख देता हूँ V नोट ln S अपॉन ln RB अपॉन RA माइनस वी नोट एल एन ए आर ए अपॉन एल एन आर बी अपॉन आर ए, ये पोटेंशियल आया है। और आपका जो बाउंड्री कंडीशन है वो एस के रिस्पेक्ट में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ई वेक्टर बराबर माइनस डेल्टा वी एस कैप, एस कैप के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। इसका एस डायरेक्शन में डेरिवेटिव ले लीजिए, तो आप कैसे लोगे एस डायरेक्शन में डेरिवेटिव, तो ले लीजिए माइनस डेल्टा ग्रेडियंट, आप एस डायरेक्शन में ले लोगे तो ले लीजिए, मैं लिख देता हूँ एक बार, माइनस डेल्टा ए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एस एस कैप, ठीक है, ये आप डेरिवेटिव ले लोगे, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव लोगे तो आप कैसे आएगा, इसका डेरिवेटिव बराबर माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एस एस कैप, कैसे लोगे वी नोट एल एन एस का जो डेरिवेटिव है वो क्या आएगा, वन अपॉन एस, और ये वन अपॉन एस, ये माइनस का चिन्ह, ये तो जीरो हो जाएगा, ये तो सब कॉन्स्टेंट है, क्योंकि जो आपके पास आर ए की वैल्यू आई है वो भी एक निश्चित वैल्यू आ गई, और आर ए आर बी की वैल्यू आई है, जो आर ए की वैल्यू आई है आर ए की वैल्यू आई है वो भी निश्चित आ गई है, और आर बी की जो वैल्यू आई है आपके पास वो भी निश्चित आ गई, कॉन्स्टेंट आ गई, तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो ये जीरो हो गई, तो ये आपके पास एल एन आर ए आर बी माइनस आर ए, ये आपके पास एस कैप माइनस में, ये आपके पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट चलें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास वो देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बता देता हूं क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं तो नोट कीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिएगा।
ये आपके पास थीटा वन है, ये आपके पास थीटा टू है, ठीक है, जो बाउंड्री कंडीशन दे रखी है। बाउंड्री कंडीशन दे रखी है थीटा बराबर, थीटा वन बराबर वी बराबर वी वन, और थीटा बराबर थीटा टू वी बराबर जीरो। तो ये आपके पास अब सेकंड नंबर वाला ग्राउंडेड है और पहले नंबर वाले पर पोटेंशियल वी बराबर वी है, तो वही आपके पास पोटेंशियल निकालना है। तो आप एक बार प्रयास कीजिएगा, दो या तीन मिनट का मैं टाइम देता हूँ, आप प्रयास कीजिएगा। ठीक है, प्रयास कर लिया हो तो अपन सॉल्व करें। प्रयास कर लिया तो सॉल्व करें तो फाइंड पोटेंशियल लिख सकते हो, फाइंड पोटेंशियल। पॉज कर कर प्रयास कीजिए इसका, इस क्वेश्चन का पॉज कर कर प्रयास कीजिएगा, पॉज कर कर इसका प्रयास कीजिए। तो जो इसमें सिमेट्री लग रही है वो मैं आपको बता देता हूँ, थिट्टा वाली सिमेट्री लग रही है। तो जो आपके पास दो तरीके से हैं इसको कर सक, थिट्टा वाली सिमेट्री लग रही है, तो इसमें स्पेरिकल सिमेट्री में क्या होता है, दो तरीके से नहीं करोगे, केवल एक तरीका यूज ले लोगे तो आपके लिए बेटर होगा। तो स्पेरिकल सिमेट्री लग रही है इसमें, कौन सी सिमेट्री लग रही है, स्पेरिकल सिमेट्री लग रही है, ठीक है। तो स्पेरिकल सिमेट्री जब इसमें लग रही है तो कौन सी लग रही है, थीटा बराबर थीटा वन, थीटा बराबर थीटा टू, आपको बाउंड्री कंडीशन दे रखी है। मैंने बाउंड्री कंडीशन को देखते हुए सिमेट्री का सोचा कौन सी लग रही है, स्पेरिकल सिमेट्री लग रही है, वो भी कौन सी, केवल थीटा दे रखा है, तो इसमें जो स्पेरिकल सिमेट्री लग रही है वो एंगल वाले स्पेरिकल सिमेट्री लग रही है, क्योंकि स्पेरिकल में क्या होता है, आर थीटा और फाई, तो इसमें थीटा वाली सिमेट्री आपके पास यूज हो रही है, ठीक है। तो थीटा वाली सिमेट्री आपके पास यूज हो रही है, स्पेरिकल सिमेट्री अपन यूज करेंगे और पोटेंशियल निकाल लेंगे। तो देखिएगा इसमें पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, ठीक है, इसमें पोटेंशियल कैसे निकालते हैं वो देखोगे। तो इसमें पोटेंशियल कैसे निकालते हैं वो देखोगे। तो सबसे पहले जो मुझे गिवन है, यूजिंग लिखोगे, यूजिंग स्पेरिकल सिमेट्री, स्पेरिकल सिमेट्री, ठीक है, यूजिंग स्पेरिकल सिमेट्री, ओके। तो स्पेरिकल सिमेट्री को यूज कर लोगे तो कौन सी है, थीटा वाली, तो थीटा वाली स्पेरिकल सिमेट्री कैसे निकालोगे, थीटा वाली स्पेरिकल सिमेट्री कैसे निकालोगे, वन अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा, याद कीजिएगा थीटा वाली साइन थीटा डी ओवर वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा डेल ओवर डेल थीटा साइन थीटा डी वी अपॉन डी थीटा, ये आपके पास क्या हो गई, सिमेट्री यूज हो गई, ओके। ये आपके पास सिमेट्री यूज हो गई, ये वाली अपन सिमेट्री इसमें यूज लेंगे, स्पेरिकल सिमेट्री है। पूरा लिखें डेल स्क्वायर वी, तो डेल स्क्वायर स्क्वायर वी बराबर जीरो पूरा लिखें तो क्या होगा, वन अपॉन आर स्क्वायर डेल ओवर डेल आर, ठीक है, और डेल ओवर डेल आर साइन स्क्वायर डेल वी अपॉन डेल आर प्लस वन अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा डेल ओवर डेल थीटा साइन थीटा डेल वी अपॉन डेल थीटा प्लस वन अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल वी स्क्वायर डेल फाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये कंप्लीट है। और ये आर का फंक्शन होगा, ये आपके पास क्या होगा, थीटा का फंक्शन होगा, और ये आपके पास फाई का फंक्शन होगा। केवल ये सिमेट्री आपको यूज लेनी है, तो थीटा वाली सिमेट्री आपको इसमें यूज ले लिए, क्योंकि बाउंड्री कंडीशन में थीटा वन और थीटा टू दे रखा है, और एंगल देखते हुए मैंने कोनिक सरफेसेस दे रखे हैं, उसमें भी मुझे एंगल देखने को मिल रहा है। तो ये इस प्रकार की मैं सिमेट्री यहाँ पर यूज लूंगा, तो देखोगे कैसे लूंगा यूज।
तो सबसे पहले मैं यूज़ लेता हूँ, इसको मैं सोल्व करता हूँ तो इसको जीरो की तरफ भेज देता हूँ, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, डेल ओवर डेल थीटा साइन थीटा डेल वी अपॉन डेल थीटा इक्वल टू जीरो। इसका डेरिवेटिव इंटीग्रल कर दीजिए, इंटीग्रल बोथ साइड, इंटीग्रल बोथ साइड, इंटीग्रल बोथ साइड, बोथ साइड आप इंटीग्रल कर दीजिए, तो इंटीग्रल आप बोथ साइड करोगे तो क्या आएगा रिजल्ट, तो देखोगे तो ये आपके पास आएगा साइन थीटा डी वी अपॉन डी थीटा सी वन लिख देता हूँ, ठीक है, और डेल वी अपॉन डेल्टा डेल थीटा सी वन अपॉन साइन थीटा, ठीक है। दोबारा इंटीग्रल कर देता हूँ, इंटीग्रल बोथ साइड, इंटीग्रल बोथ साइड, तो क्या होगा v इक्वल टू सी वन साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रल सी टू, तो इसका जो इंटीग्रल आएगा v बराबर कोसेक थीटा डी थीटा ये सी वन इक्वल टू सी टू, ठीक है। तो सी वन का एक तो ln कोसेक, ln की फॉर्मेट में कोसेक माइनस कोट थीटा इंटीग्रल आता है, एक जो इंटीग्रल आता है आपके पास सी वन ln टेन थीटा बाई टू, ईजी रहेगा क्योंकि कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा जो इंटीग्रल आता है उसको यूटिलाइज लेंगे तो दो फॉर्मेट में हो जाएगा और अपनी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, तो हम टेन थीटा बाई टू ये जो इसका इंटीग्रल आता है उसका यूज लेंगे, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता अब इंटीग्रल याद करने की ज़रूरत है, तो ये आपके पास पोटेंशियल आ गया, सी वन और सी टू की वैल्यू निकाल दीजिए, जो आपके पास बाउंड्री कंडीशन है वो गिवन है, तो कैसे निकालोगे तो देखोगे, मुझे नहीं लगता कि इसका इंटीग्रल याद करने की अब जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब जो बाउंड्री कंडीशन दे रखी है उसका यूटिलाइज लेकर, जो अब दे रखी है बाउंड्री कंडीशन उसका यूटिलाइज लेकर पोटेंशियल, पोटेंशियल निकालने के लिए सी वन और सी टू की वैल्यू निकाल दीजिए, आपके पास पोटेंशियल अपने आप आ जाएगा, ठीक है। नोट कीजिए, इतना नोट कर लिया हो तो आगे बढ़े। तो नोट कर लिया हो तो आगे बढ़े, ये मैंने पिछली क्लास में भी बताया इसका फॉर्मूला वगैरह, ठीक है, इसका फॉर्मूला पिछली क्लास में भी बताया, दोबारा बता दिया। चलो तो v बराबर आपके पास कौन सी वैल्यू आ गई, v बराबर c1 ln tan थीटा 2 बाई टू प्लस c2, ये आपके पास वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अब c1 c2 की वैल्यू निकाल दीजिए, ये वैल्यू आपको गिवन है, तो मैं निकालता हूँ सबसे पहले c1 की, ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट कह दोगे तो आप सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालोगे, निकालते हैं सबसे पहले पहली बाउंड्री कंडीशन है इसको रखते हैं, फिर दूसरी बाउंड्री कंडीशन है इसको हम रखते हैं, तो कैसे रखते हैं तो देखोगे हम इस बाउंड्री कंडीशन को कैसे रखते हैं। तो सबसे पहले v बराबर v1 गिवन है, पोटेंशियल v1 गिवन है और थीटा कितना गिवन है, थीटा 1 c1 ln tan थीटा 1 बाई 2 प्लस सी टू, ये गिवन है इक्वेशन नंबर दो, ठीक है। अब दूसरी बाउंड्री कंडीशन रख दीजिए, जीरो बराबर सी वन एल एन टेन थीटा टू बाई टू प्लस सी टू, तो सी टू की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, सी टू बराबर माइनस सी वन एल एन टेन थीटा टू बाई टू, ओके, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू आप C2 की आ गई, तो C2 की वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए, इस C2 की जगह आप वैल्यू पुटअप कर दीजिए, तो कैसे करोगे तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर थ्री हो गई, तो मैं पुटअप कर रहा हूँ इस C2 की जगह, इस C2 की जगह इस C2 की वैल्यू मैं पुटअप कर रहा हूँ, तो देखोगे कैसे करता हूँ। तो V1 इक्वल टू C1 ln tan थीटा 1 बाई टू माइनस C1 ln tan थीटा 2 बाई टू, ठीक है, ये वैल्यू पुट अप कर दी। C1 कॉमन ले लीजिए, C1 ln ln tan
थीटा वन बाई टू माइनस एल एन टेन थीटा टू बाई टू। ठीक है, अब सी वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी वन बराबर वी वन अपॉन एल एन टेन थीटा वन बाई टू माइनस एल एन टेन थीटा टू बाई टू। ये आपके पास कौन सी इक्वेशन आ चुकी है, ये आपके पास कौन सी आ चुकी है, नंबर चार इक्वेशन। ठीक है, ये आपके पास सी वन की वैल्यू आ चुकी है, नोट कीजिएगा इतने। नेक्स्ट चलते हैं सी टू की वैल्यू निकालते हैं, सी टू की वैल्यू निकालते हैं। तो सी टू की वैल्यू निकालेंगे तो सी वन की वैल्यू इस जगह पुटअप कर देंगे। ठीक है, बाकी मैं मिटा रहा हूँ, उसकी हमें कोई खास जरूरत नहीं है। C1 की जगह वैल्यू पुट अप कर दीजिए, C1 की जगह इस जगह वैल्यू पुट अप कर दीजिए, जीरो इक्वल टू C1 की जगह V1 अपॉन ln tan थीटा वन बाई टू माइनस ln tan थीटा वन थीटा टू बाई टू, और ln ऊपर की साइड tan थीटा बाई टू मैंने सी वन की वैल्यू पुट अप कर दी, और सी टू की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, सी टू इक्वल टू माइनस वी वन टेन माइनस वी वन एल एन टेन थीटा टू बाई टू अपॉन एल एन टेन थीटा वन बाई टू माइनस एल एन टेन थीटा टू बाई टू। ये आपके पास सी वन की वैल्यू आ गई, ये सी टू की वैल्यू आ गई। अब इन दोनों वैल्यू को जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वी बराबर सी वन एल एन टेन थीटा टू बाई टू प्लस सी टू में पुटअप कर दीजिए। ठीक है, वैल्यू में पुटअप कर दीजिए, ठीक है, इसमें पुटअप कर दीजिए C1 की वैल्यू और C2 की वैल्यू, ये इक्वेशन नंबर 5 आ गई। ठीक है, दोनों को पुटअप कर दीजिए। ठीक है, तो करते हैं पुटअप, ये तो अब बकवास खेल बच गया, अब ज़्यादा बढ़िया खेल बचा नहीं है। ठीक है, तो इसको पुटअप करते हैं, C1 और C2 की वैल्यू पुटअप करते हैं। ठीक है, C1 और C2 की वैल्यू पुटअप करते हैं, तो V आपके पास क्या आ जाएगा, V इक्वल टू देख लीजिए V क्या आ जाएगा, तो C1 की वैल्यू आ जाएगी V1 अपॉन ln ln tan थीटा वन बाई टू माइनस ln tan थीटा टू बाई टू माइनस, इसकी वैल्यू पुटअप करोगे माइनस, ऊपर भी तो है इसमें ln tan थीटा, ln tan थीटा बाय टू। ठीक है, माइनस c2 की वैल्यू पूरा रख दीजिए, माइनस v1 ln tan थीटा टू बाय टू अपॉन ln tan थीटा वन बाय टू माइनस ln tan थीटा टू बटे टू। ये आपका आंसर आ गया, जो पोटेंशियल है वो निकालना था, उसका आंसर ही आ गया। ठीक है, नोट कीजिएगा, नोट कीजिए इसको, एक बार मैं चेक कर देता हूँ, आंसर यही है क्या। बिल्कुल यही आंसर है आपका। ठीक है, नोट कर लीजिए इतना, नोट कर लीजिएगा।
लाप्लास कंप्लीट करने जा रहे हैं अपन, तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ई वेक्टर बराबर माइनस डेल्टा वी थीटा कैप, थीटा कैप डायरेक्शन में आ जाएगा, केवल ये जीरो हो जाएगा मटेरियल इस जीरो इसके रिस्पेक्ट में। आपके पास जो है डेरिवेटिव है इस एल एन टेन थीटा बाई टू का ले लेंगे तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा अपना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैं नोट कर रहा हूँ तो आप नोट करोगे, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आसान सा क्वेश्चन लेते हैं एक। फाइंड पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट, जो आपके पास ये प्लेट है उसके बिटवीन में अपन को निकालनी है, ठीक है। ये प्लेट आपको गिवन है, मैं थोड़ा सा प्लेट को ढंग से बना देता हूँ। ठीक है, ये आपके पास प्लेट है, उसके बीच में आपको बनानी है। ये आपको प्लेट गिवन है तो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेट के बीच में निकालना है, ठीक है। एक बार नोट कीजिएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल इन दोनों प्लेट के बीच में अपन को निकालना है, ठीक है। तो एक बार आपको फाइव बराबर जीरो दे रखा है, एक बार फाइव बराबर पाई बाई सिक्स दे रखा है, और दोनों प्लेट के बीच में पाई बाई सिक्स है और यहाँ पर आपके पास 5 बराबर 0 है, 5 बराबर 0 तो पोटेंशियल भी 0 है, और यहाँ पर इस पॉइंट पे मैं पहुँचा तो 5 बराबर पाई बाई 6 है और पोटेंशियल आपका 100 वोल्ट है, ठीक है। पोटेंशियल आपके पास 100 वोल्ट है, तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। फाई आपका स्फेरिकल सिमेट्रिक में भी आता है, स्फेरिकल सिमेट्री में भी आता है, फाई आपका स्फेरिकल सिमेट्री में भी आता है। कैसे आता है? वन अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी वी अपॉन डी फाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ठीक है। स्फेरिकल सिमेट्री में भी आता है और स्फेरिकल सिमेट्री में भी आता है और आपके पास कौन सा सिलेंड्रिकल सिमेट्री में भी आता है, सिलेंड्रिकल सिमेट्री में भी आता है, ठीक है। स्फेरिकल में भी आता है और सिलेंड्रिकल सिमेट्री में भी आता है। सो सिलेंड्रिकल सिमेट्री में कैसे आएगा? वन अपॉन एस स्क्वायर डेल्टा वी अपॉन फाई बराबर जीरो। दोनों किसी कोई भी सिमेट्री लगा दीजिए जिसमें फाई दोनों में आता है, क्योंकि स्फेरिकल सिमेट्री आपके पास क्या होती है? आर थीटा फाई, और आपके पास सिलेंड्रिकल सिमेट्री क्या होती है? एस फाई और जेड, ठीक है। इस फॉर्मेट में आपके पास होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पोटेंशियल निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? पहले दोनों सिमेट्री को सॉल्व कर देते हैं, एक बार तो सॉल्व किया हुआ है फिर कर देते हैं। तो सबसे पहले सिलेंड्रिकल सिमेट्री को सॉल्व करते हैं,
मतलब स्पेरिकल सिमेट्री को सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, तो ये आपके पास जीरो में चला जाएगा, तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा फाई स्क्वायर बराबर जीरो, और इसको दो बार डेरिवेटिव लेंगे तो वी बराबर सी वन फाई सी टू आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार डेरिवेटिव लेंगे तो सी वन आ जाएगा और दूसरा डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास फाई आ जाएगा। ठीक है, सी वन फाई सी टू। इसी तरीके से हम दूसरी सिमेट्री का यूज़ लें तो मैं यहीं बता देता हूँ, दूसरी सिमेट्री जो सिलेंड्रिकल सिमेट्री है उसको मैं फिर से बता देता हूँ, सिलेंड्रिकल सिमेट्री को मैं यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, तो डेल्टा वन अपॉन एस स्क्वायर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा फाई स्क्वायर बराबर जीरो, तो ये जीरो में चला जाएगा, तो डेल्टा स्क्वायर फाई डेल्टा वी डेल्टा स्क्वायर वी अपॉन डेल्टा फाई स्क्वायर बराबर जीरो, तो वी बराबर आपके पास सी वन फाई प्लस सी टू आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अगर लाप्लास लगा रहे हो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो आपके पास चार्ज डेंसिटी है वो जीरो दे रखी है, तो डेल्टा स्क्वायर वी बराबर जीरो होगा। अगर पॉइजन इक्वेशन यहाँ पर ही लगाना चाहो तो पॉइजन इक्वेशन लगाओ तो डेल्टा स्क्वायर वी अपॉन माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन, ये आप लगा सकते हो। ये लाप्लास हो गई, लाप्लास इक्वेशन हो गई, और ये आपके पास पॉइजन इक्वेशन हो गई। ठीक है, नेक्स्ट चलें अपन। तो मैं स्पेरिकल सिमेट्री पे चलता हूँ, तो कैसे चलता हूँ, मैं एक ले लेता हूँ, दोनों में से दोनों लग सकती है, तो स्पेरिकल ले लेता हूँ मैं, तो कैसे लगाता हूँ तो देखोगे। देखोगे कैसे लगाता हूँ मैं, नोट करोगे कैसे लगाता हूँ। तो V आपके पास क्या आ गया था, C1 फाई प्लस सी टू, ये आ गया था। तो सबसे पहले बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं, तो सबसे पहले लगाते हैं तो जीरो बराबर, ये भी जीरो है तो प्लस सी टू, तो सी टू की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, जीरो। ठीक है, मैं कौन सी सिमेट्री लगा रहा हूँ, अप्लाइंग स्पेरिकल सिमेट्री, स्पेरिकल सिमेट्री। कौन सी सिमेट्री अप्लाई कर रहा हूँ, स्पेरिकल सिमेट्री, ये आपके पास जीरो आ चुका है। अब नेक्स्ट मैं बात करूँ तो V इक्वल टू, नेक्स्ट बात करूँ 100 वोल्ट है और C1 की वैल्यू और फाई की वैल्यू पाई बाई सिक्स और C2, C2 की जीरो है तो इसको मैं जीरो लिख रहा हूँ, तो 100 बराबर C1 पाई बाई सिक्स, तो आपके पास 600 अपॉन पाई बराबर C1 आ गई और C2 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, जीरो आ गई। स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है, इसमें रख दीजिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है अपने पास, इसमें रख दीजिए। तो मैं रख रहा हूँ, तो मैं ऊपर रख रहा हूँ, तो यहाँ देखोगे मैं यहाँ रख रहा हूँ, तो कैसे रखोगे, V इक्वल टू 600 अपॉन पाई, 600 अपॉन पाई फाई प्लस जीरो, तो V आपके पास क्या आ गया, 600 अपॉन पाई फाई। ठीक है, नोट कीजिए, इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए, नेक्स्ट चलते हैं। जो आपके पास पोटेंशियल आया है V बराबर 600 अपॉन पाई फाई, ये आपके पास पोटेंशियल आया है। ठीक है, तो इस पोटेंशियल में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो 1 माइनस एस डी वी, अगर मैं कौन सी सिमेट्री लगा दूं, जो आपके पास डी वी अपॉन डी एस या डी वी अपॉन डी फाई, फाई कैप अप्लाइंग सिलेंड्रिकल सिमेट्री, सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल सिमेट्री। ठीक है, अप्लाई सिलेंड्रिकल सिमेट्री, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, वन माइनस एस, इसको डेरिवेटिव लोगे फाई के रिस्पेक्ट में, तो एक इतना ही बच जाएगा केवल,
600 अपॉन पाई फाई कैप, ठीक है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा, नोट कर लीजिए। इसको नोट कर लीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी अलग सिमेट्री अप्लाई की है और पोटेंशियल में भी अपन ने स्पेरिकल सिमेट्री अप्लाई की है, यहाँ पर सिलेंड्रिकल सिमेट्री अप्लाई की है, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो लगभग ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से सारे सवाल हो चुके हैं अपने पास लाप्लास इक्वेशन के, जो थोड़े बचे हैं तो अपन अगला टॉपिक लेके आएंगे ईएमटी का, उसमें हम डिस्कशन कर लेंगे इसके, जो लाप्लास इक्वेशन के जो भी सवाल बचे हैं उसमें डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, जब भी वीडियो को देखो, जब पूरा देखा करो। ठीक है, तो अब लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।